हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे स्टैटिस्टिकल एंड टू का नया वीडियो भी आ चुका है, जिसके अंदर भाई काफी सारी चीजें जो नई आई है, तो अपन सब चीजों को ना थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। एंड वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपन चलेंगे ब्लॉग पे भी, और वहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी मतलब अभी तक आ चुके हैं टोटल 5 वीडियोस, तो हमने वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं एकदम डिटेल में। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। बाकी ये वाला वीडियो भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और काफी सारी चीजें इसके अंदर बेस्ट भी आएंगी। तो मैंने वीडियो कंप्लीट देख लिया है, तो भाई मैं तुमको भी एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। To understand the basic needs of your citizens, you need only look in the mirror. Like you and me, there are a few important things they need. ओके, सो भाई यहाँ से अपना जो है वीडियो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ लेफ्ट में, ये देख रहे हो टेक्सचर जो कितना खराब दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब अभी ऐसा नहीं है कि हर एक चीज अपने को बेटर दिखेगी, राइट। सिस्टम्स पे भी डिपेंड करता है, जिसका जैसा सिस्टम होगा उस पर वैसा ही चलेगा। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड कराया गया वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे डेफिनेट रिकॉर्ड कराया गया है। एंड यहाँ पे देखे तो थोड़ा ट्रीज का टेक्सचर भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बाकी हाउसेज वगैरह का भी यहाँ पे थोड़ा सा सीन खराब दिख रहा है मेरे को, बाकी देखते हैं। To live healthy. हाँ यहाँ पे ठीक है, देख रहे हो वो छतों पे वियर्ड सा स्पॉट नहीं बन रहा ना, शायद से वो मे बी लो सिस्टम पे चल रहा होगा मे बी। और यहाँ पे देख रहे हो बिल्डिंगों का टेक्सचर भी सही हो गया है, तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो वाला लो सिस्टम पे चल रहा है। तो भैया ऐसा तो अभी होगा नहीं कि सबके पास यू नो हाई सिस्टम्स होंगे, राइट। एंड डिफरेंट डिफरेंट होता है सबके पास, किसी के पास लो है, किसी के पास हाई है, किसी के पास मीडियम है, राइट। तो उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन कराया गेम, तो यार काफी अच्छा है सीन है। और यहाँ पे एकदम जो हाउसेज वगैरह भाई वो पूरा डिटेल्ड में है। एंड यहाँ पे तुम स्केलिंग देखो भाई हाउसेज की कितनी खतरनाक है, जो कि अपन हर वीडियो में बात करते करते हैं, तो अपने को बार बार वही चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ओके भाई, यहाँ पे है जो भाई पावर लाइन्स है, एंड इलेक्ट्रिसिटी में अभी काफी बड़ा मेजर अपडेट जो हुआ है, तो चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैनिटेशन, विद दीस सिस्टम्स इन प्लेस, एवरीवन इन योर सिटी हैज अ शॉट एट लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। लेट्स टेक अ लुक। सो गाइस, यहाँ पे एक बड़ा सारा सोलर प्लांट बना हुआ है, और भाई अभी देखना है कि कम्प्लीटली अपग्रेडेड है कि नहीं। बाकी ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, अपन थोड़ा अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कम्प्लीटली अपग्रेडेड है या नहीं। तो जैसे कि अपन मान सकते हैं ये वाली मेन बिल्डिंग हो गई, ये वाला ग्रिड हो गया जो अटैच्ड है, जहां से अपन इलेक्ट्रिसिटी को सेंड करेंगे, राइट। उसके बाद आई थिंक ये वाला फर्स्ट मतलब पार्ट हो सकता है बिल्डिंग का, फिर इसी तरह से अपग्रेड करे गए होंगे मे बी सेक्शंस में, ये वाला बड़ा वाला सेक्शन होगा मे बी, राइट। तो इस तरह से अपग्रेड करके ऐड करा गया होगा मे बी। यहाँ पे एक अलग से बैटरी स्टेशन भी है, तो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कवर कर लिया था कि भाई बैटरीज भी आने वाली गेम है, जिसके अंदर अपन पावर वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं और क्या क्या इन्फो अपने को यहाँ से मिलती है। बाकी भाई जो देखने में है ना सीन जबरदस्त लग रहा है। When laying roads, you also install low voltage underground cables. Okay, तो मतलब कि अपन पानी के पाइप्स और सीवेज दोनों तो अपन रोड्स के अंदर डाल ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं। और अगर अपने को अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं डालनी तो अपन ऊपर से भी डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अपने पास है। तो डेफिनेटली यार अंडरग्राउंड वाला ज्यादा बेस्ट है ना, एकदम क्लीन रहेगा सब कुछ। That supply electricity to homes, offices, and shops. तो यहाँ पे काफी कुछ है, थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके, तो ये वाले इसमें ना थोड़ा एक इन्फो पैनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो यहाँ पे मतलब जो येलो टाइप बिल्डिंग्स है ना, ये थोड़ा लो ले रही है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जिनके अंदर लो है। एंड ऑरेंज टाइप है जहाँ पे हाई होगा ये डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पे एक पार्क है तो इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है। बाकी ये लो रेजिडेंशियल हाउसेज है जिनके अंदर कम हो रहा है, तो मे बी ये वाली बड़ी बिल्डिंग है, राइट। तो थोड़ा सेंस बनता है कि इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो सब अपन यहाँ से देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काफी बड़ा मेजर अपडेट ये है कि उसके अंदर ना दो तरह केबल्स अभी अपने पास, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल्स। तो चलो देखते हैं थोड़ा आगे। होम्स, ऑफिसेज एंड शॉप, जैसे कि यहाँ पे यू नो थोड़े छोटे वाले बिल्डिंग्स है तो उनके अंदर कम यूज हो रहा है, राइट इसमें, लेकिन इसके अंदर ज्यादा यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। नाइस। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिखाया हुआ बैटरी चार्ज वगैरह। दीस केबल्स प्लग इनटू ट्रांसफार्मर स्टेशंस। Transformer stations are also connected to the high voltage power lines streaming from your city's power plants. तो मतलब कि ये वाली जो बड़ी केबल है ना गाइस, ये हाई वोल्टेज केबल है और ये वाली केबल है जो लो वोल्टेज केबल है। तो मतलब हाई वोल्टेज केबल अपने को कहाँ पे यूज करनी है, वो यूज करनी है जहां पे अपना पावर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी बिल्डिंग जहां से अपने को पावर प्रोडक्शन करवाना है, राइट। जैसे कि कोल हो गया, राइट, जियो थर्मल है यहाँ पे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर ईयर है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे। तो कोई भी बिल्डिंग हो वो सारा का सारा वहां से ना अपने को हाई वोल्टेज मिलेगा, तो अपने को बड़ी वाली केबल चाहिए उनको ट्रांसफर करने के लिए। और हाई वोल्टेज केबल से अपन ये वाले नॉर्मल स्टेशन पे अपन कनेक्ट कर सकते हैं, जहां से अपनी जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, लाइक रियल लाइफ।
जैसा कि अपने बड़ी वाली लाइन्स होती, राइट, ये हमने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। तो यहाँ से अपन लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं, और ऐसे ही लो वोल्टेज से अपन हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि मान लो अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, जो अपना ग्रिड है, राइट, वहां से अपन वापस से उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके और बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीधा सिंपल कनेक्शन बना के। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही हो सकता है यहाँ से, और ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर स्टेशन है ये दोनों ही तरह से काम कर सकता है, हाई को लो में भी कन्वर्ट कर सकता है और लो को हाई में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एंड यहाँ पे देखो भाई, ये वाला पिलर एंड यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब अभी सिटी स्कैलिन के अंदर जितनी बिल्डिंग्स है ना भाई, वो काफी ज्यादा डिटेल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कोई कुछ भी मतलब मॉडल रख दिया है, उनके अंदर थोड़ा लगे कि हाँ भाई फील आए कि वास्तव में ये कोई बिल्डिंग है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ सेट करा गया, और यहाँ पे देखो कितने सारे वायर्स वगैरह एंड देन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो खड़ा करा गया ट्रांसफार्मर का, तो काफी औसम लग रहा है। यू नो यहाँ पे कंटेनर्स रखे हुए थोड़े, और यहाँ पे मेन बिल्डिंग है एंड यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, तो काफी अच्छा सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑल्सो ये देख रहे हो बीच में कॉन्क्रीट वाली वॉल भी है, आई थिंक पानी के अंदर बिल्ड हुई है ये वाली लाइन। सो देखने में काफी औसम लग रही है ये वाली लाइन। लो वोल्टेज केबल्स एंड हाई वोल्टेज लाइंस लिंक अप। तो सेम ही चीजें जो मैंने तुमको बताया कि हाई वोल्टेज से आएगा लो में कन्वर्ट हो जाएगा। दे फॉर्म द ग्रिड दैट पंप्स इलेक्ट्रिसिटी राइट अक्रॉस योर सिटी। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये जो आइकन आ रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो सिंपली अपन यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं। मे बी डीसी हो गई होगी इनकी, या फिर इन्होंने वीडियो बनाने के लिए डीसी करी होगी, तो सिंपली यहाँ से दिखाया गया है कि भाई अपने को कनेक्ट करना तो भी पावर जाएगी, तो अब ठीक है भाई। मे बी यहाँ से ये देख रहे हो बाई रोड भी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब भी सिटी स्काईलाइन 2 के अंदर एक सीन और भी है कि बोटल नेक्स होंगे। मतलब नॉर्मली सिटी स्काईलाइन के अंदर भी होता है, लेकिन उतना अपने को नजर नहीं आता। वो उसका ना सिनारी स्पेशल होता है। मान लो अपना एक पावर प्लांट मैप में दूसरी साइड में है, और अपन मैप के मतलब कोई अपोजिट साइड में, राइट, और वहां से वो प्लांट काफी दूर है, तो शायद एंड वाले बंदे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पावर इनफ नहीं आ रही, पावर इनफ नहीं आ रही, ना कभी आती रहती कभी जाती रहती है, तो वो सीन रहता है। लेकिन इसके अंदर वो चीज साफ साफ दिखेगी, और इसके अंदर जो रेंज है ना वो काफी कम है। तो ऐसा नहीं है कि अपन ने सिर्फ मतलब रोड से कनेक्ट कर दिया और फिर अपन कहीं तक पावर लेके जा सकते, ऐसा नहीं है। जो केबल है ना उसके अंदर लिमिटेड ही पावर ट्रांसफर हो सकती है। मान लो वो कुछ एक ब्लॉक्स मतलब ये वाला आईलैंड ही मतलब तक ट्रांसफर कर सकती है ये वाली केबल, राइट, जो नॉर्मल वाली है। लेकिन इसके आगे भी अपने को एक्सपेंड करना है, तो डेफिनेटली अपने को बड़ी वाली केबल लेके जानी पड़ेगी, फिर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन वहां भी बनाना पड़ेगा, और फिर वहां से ग्रिड में अटैच करना पड़ेगा। तो यार ये काफी रियलिस्टिक है, काफी ज्यादा रियलिस्टिक उन्होंने बना दिया, और एक मतलब इसके साथ खेलने में ना काफी ज्यादा मजा आने वाला डेफिनेटली। नाइस। एंड साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अपन बाई रोड से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ से देख लो अलग से भी कनेक्शन यहाँ पे बनाया गया है जो पावर ट्रांसफर कर रहा है। तो अपने पास दोनों ही ऑप्शन रहेंगे, अपन चाहे तो ऊपर से भी बना सकते हैं, अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं, अलग से भी केबल डाल सकते हैं, बाई रोड भी लेके जा सकते हैं, तो काफी सारे ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिलेंगे। Lines and electric cables can only carry so much electricity. When demand increases, they can. देखो ये वाले सिनारियो में ऐसा होगा, मान लो अपना प्लांट यहाँ पे, राइट, तो यहाँ से अपन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ तक, राइट, यहाँ पे अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ के लोग चिल्लाने लग जाएंगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि इतनी दूर जो है ना पावर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो अपने को सिंपल ये लाइन एक्सपेंड करनी पड़ेगी यहाँ पे कहीं पर, फिर यहाँ से अटैच करनी पड़ेगी ताकि ये वाले एरिया में ना पावर सेंड करी जा सके। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक है भाई, और यहाँ से आई थिंक मैप के बाहर से जो एक्सपोर्ट करी जा रही बिजली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अपने को। ओके, तो यहाँ पे अलग से भी आइकन दिखेगा जो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना, कि भाई यहाँ पे बॉटलनेक हो गया है, यहाँ पे यहाँ तक इतना पावर आ नहीं पहुंच नहीं पा रही है, तो वहां पे दिखाएगा अपने को, फिर उस हिसाब से अपने को स्टेशन वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, एंड देन बूम लेट्स गो। कीप द ग्रिड हमिंग बाय इवनली स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अराउंड योर सिटी। यू कैन आल्सो बिल्ड पावर लाइंस टू इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेबरिंग सिटीज। नाइस। तो ये भी अपने को पता था कि अपन एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, तो सिंपल वही सीन है यहां में। इंपोर्टेड एनर्जी विल सेव योर बेकन इफ लोकल पावर प्लांट्स फेल टू प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। और भाई यहां पे देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे को रियलिस्टिक नहीं लग रही है। मतलब रियलिस्टिक जो लग रहा है वो चीज क्या है कि जहां से अपनी पावर लाइन गई वहां पे पेड़ नहीं है, एक तो उसके नीचे सबसे बड़ी बात ये है, एंड बुशेज वगैरह कुछ खड़े हुए, लेकिन यार जो पोल्स है ना यार वो काफी पास पास यार, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक मतलब ये मेरे को ये चीज कम लग रही है यहाँ पे। एटलीस्ट यार बीच वाला पोल गायब होना चाहिए, यहाँ से केवल सीधी नेक्स्ट वाले पे जानी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी लाइन्स होती है भाई वो काफी दूरी होती है उनकी, यू नो बड़ी बड़ी। एंड ये थोड़ा सा मेरे को सीन सही नहीं लगा, लेकिन ठीक है भाई जो भी बनाया। Expect spikes when the thermostat drops and everyone dials up their heaters. Okay, तो अभी यहाँ पे ना सीन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का भी। मान लो गर्मी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा होएगा, सर्दी है थोड़ा कम होएगा, बरसात है और कम होएगा,
तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सीन है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कंप्लीट गेम चलता जाएगा और अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सेम ही रहेगा अपन अगर कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सीजन आने वाले हैं ना विंटर, और जल्दी इसके ऊपर वीडियोज भी आने वाले आगे अपकमिंग एपिसोड्स में, तो यहाँ पे अभी विंटर चल रहा है तो उतना ज्यादा कंजप्शन यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे सीजन चेंज होंगे उसी तरह से पावर की डिमांड भी चेंज होती रहेगी साथ साथ। Hot weather will cause spikes too, as people flick on air conditioners, fans, and ice machines at the yes, same time. यही मैं your कह रहा power plants might produce more electricity than your city needs. Okay, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे कंजप्शन बढ़ जाएगा अपना। ओके okay? तो उस केस पे अपन चाहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपन कुछ बैटरी बैटरी स्टेशन बना के उनके अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन रहेंगे अपने पास। चिल When that happens, you can export it to your neighbors. Yes. While this can offset production costs, think it through. तो मतलब जो एक्सपोर्ट कुछ भी अपन करेंगे कॉस्ट तो ज्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है भाई। नाइस। By storing excess electricity in emergency battery stations, you have nothing to worry about when demand rises. ओके तो यहाँ पे ये वाला बैटरी स्टेशन था अपना जो कंप्लीट बड़ा वाला है, एंड इसके अंदर अपन अपग्रेड भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना काफी कुछ है गाइस, काफी कुछ है यहाँ पे। एक तो देख रहे हो अपकीप वगैरह इसका दिखाया हुआ है, एफिशिएंसी दिखाई हुई है एम्प्लॉइज, प्लस यहाँ पे बैटरी दिखाया हुआ है। मतलब ये वाला जो बैटरी स्टेशन में बैटरी जो चार्ज हो रही है एंड चार्ज होने का फ्लो दिखाया हुआ है 780 मेगावाट, ठीक है समथिंग। एंड यहाँ पे जो बैटरीज है वो 500 मेगावाट तक स्टोर कर सकती है, एंड वो कितनी देर में चार्ज हो जाएंगी उसका टाइम भी यहाँ पे चलेगा भाई, कितने टाइम वो चार्ज हो जाएगी। सो यार ये काफी काफी ऑसम है। और यहाँ पे वो सब दिया हुआ है एयर पोल्यूशन वगैरह, स्टोरेज वगैरह इसके अंदर कितना पेट्रोकेमिकल्स जो स्टोर वगैरह यहाँ पे। बैटरी स्टेशंस हेल्प योर सिटी गेट द मोस्ट आउट ऑफ सोलर पावर प्लांट्स। बैटरी स्टेशंस पावर द सिटी एट नाइट। नाइस नाइस, मतलब सोलर पावर प्लांट भाई रात में नहीं चलेंगे ना भाई, वो दिन दिन में चलेंगे, तो अपने को बैटरी स्टेशन लगेगा है ना। तो मतलब काफी रियलिस्टिक है भाई, मजा तो आएगा खेलने में। When the plant isn't producing electricity and recharge when they operate during the day. Of nice. course, solar is just one renewable energy source. You can build wind. हाँ, वाटर डैम गाइस, फर्स्ट टाइम अपन वाटर डैम देख रहे हैं और ये है एकदम रियलिस्टिक वाटर डैम। एंड जो सबसे मेरा बेस्ट फीचर है भाई वो यही है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर डैम वाला। तो भाई नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जो सीन है ना, इसका मैं दूसरे सीन शॉट भी मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाऊंगा थोड़ा आगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वो और ज्यादा काफी खतरनाक है। ओके, काफी सारे स्क्रीन शॉट आने वाले हैं। तो चिल, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना काफी रियलिस्टिक दिख रहा है, और अभी शायद मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि सिटी स्काईलाइन 1 की तरह डैम तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम करने का तरीका वो सेम ही रहेगा वाटर फ्लो के ऊपर, वो तो सेम ही है भाई, वो कभी चेंज नहीं हो सकता भाई, उसके लिए कुछ भी हो जाए जी वाटर फ्लो पे डिपेंड करेगा। लेकिन सिटी स्काईलाइन में जब तक डैम के ऊपर पानी नहीं कूद जाता ना भाई, वो वर्क नहीं करता है। लेकिन सिटी स्काईलाइन 2 में ऐसा नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे विंटर बाइंस का फार्म भी लगाया हुआ है, काफी ऑसम लग रहा है। नाइस नाइस, वाटर एंड जियोथर्मल पावर प्लांट्स टू। और यहाँ पे एक जियोथर्मल पावर प्लांट भी है। Fossil fuels are another way to power your city. Okay. वो कोल पावर प्लांट तो पीछे वाला, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। You can go nuclear. और शायद से फुली अपग्रेडेड भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर डबल डबल चिमनीज लगी हुई है गाइस, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। इसके अंदर शायद से कंप्लीट अपग्रेडेड भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाला देखो कोल पावर प्लांट देखो तुम लोग, फॉसिल फ्यूल्स ये छोटा सा एंड इसका साइज देखना, पूरा बड़ा सारा हो गया भाई। Let's talk water and sanitation. Surface water sources are the same as in city skylines. Expect flowing rivers, glittering lakes, and vast swirling oceans. Groundwater is different. These underground reservoirs replenish over time. Okay, तो मतलब ये डिपॉजिट्स रहेंगे ना मतलब पानी वाले, अभी ऐसा नहीं है कि अपन कहीं भी बना सकते हैं। ओके, मतलब कहीं पे भी अपन बना सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक सिनेरियो होगा उसका, उसका भी उसके उसके ऊपर मतलब अपन डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे एक वाटर डिपॉजिट है जिसके अंदर जिसके अंदर से अपन वाटर निकाल सकते हैं, और ये वाला खत्म भी होगा भाई। ओके, एंड इसका फिल रेट भी होगा, मान लो इसका फिल रेट है मतलब 100 समथिंग, अपन ऐसा कुछ मान लेते हैं, और अपन 90 समथिंग इसके अंदर से निकाल रहे हैं, राइट। तो इसमें से कब पानी जो खत्म नहीं होएगा, मतलब इसके अंदर बचा रहेगा। अगर अपन इसके अंदर से 100 से ज्यादा निकाल रहे तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तो इसका फिल रेट भी रहता है कुछ, मान लो फिल रेट है इसका 50, तो 50 की रफ्तार से ना फिल भी होता रहेगा इसके अंदर वापस। तो ये सीन भी इसके अंदर, ऐसा नहीं कि अपन इसके अंदर अनलिमिटेड वाटर यू नो जगह जगह फैसिलिटीज बना के यू नो ज्यादा ज्यादा पानी निकाल सकते, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा ज्यादा निकालने का ट्राई करेंगे तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा पानी। सो दे कैन रन ड्राई इफ, और स्पेशली यार इसके अंदर ना और आइकन भी दिखाता है कौन सी चीज किस साइड में फ्लो हो रही है ना सड़क पे, इलेक्ट्रिसिटी का भी दिखाता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है जो कौन सी साइड में फ्लो हो रही है, ये देख लो यहाँ पे डबल फैसिलिटी बना दी है, तो फास्ट ये कितनी सारी फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ बना दी एकदम। एक बार बैक करते हैं, अभी यहाँ पे देख रहे हो शायद से कुछ भी नहीं बना हुआ है यहाँ पे, राइट।
run dry if they're drained. एंड यहाँ पे भी काफी सारी फैसिलिटीज बन गई, यहाँ पे 4 और 3 7 फैसिलिटीज जिन्होंने यहाँ पे बनाई हैं, तो फटाफट यहाँ पे कम हो रहा है रिफिल, और रिफिल का रेट भी रहेगा जो मैंने तुमको बताया था सेम ही है। एंड ऑल्सो अगर कहीं पे ग्राउंड वाटर डिपॉजिट है उसके आसपास कुछ पोल्यूशन वाली चीज है जैसे कि यहाँ पे कोल पावर प्लांट है तो डेफिनेटली वो सारा वाटर जो है पोल्यूट हो जाएगा। Dirty water is pumped into your city's fresh water system. Yes. That's bad on every level. मान लो वहां पे कुछ वाटर डिपॉजिट है और उसके आजू बाजू कोई पोल्यूशन वगैरह चीज बनी हुई तो डेफिनेटली वो सारा का सारा पानी जो पोल्यूट हो जाएगा अंडरग्राउंड वाला भी। और यहाँ पे देखो बॉयकन दिखाया हुआ कि भाई इनके अंदर आ गया पानी गंदा वाला तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Because decontamination takes a long time. ओके तो यहाँ पे बिल्डिंग्स अपग्रेड करके देखते हैं। That's bad on every level. Mainly because जहाँ पे एडवांस फिल्टरिंग सिस्टम इसके अंदर लगाया जा रहा है ये पंपिंग स्टेशन के अंदर जो कि इसके अंदर से पोल्यूशन निकाल देगा, इसका आपकी कितना लगेगा लेकिन डीकंटेमिनेशन रेट इसका जो है वो 50% ही ओनली गाइस, तो 50% ही इसको जो मतलब साफ कर सकता है, पूरा 100% नहीं कर पाएंगे ये। डीकंटेमिनेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बिल्ड अ ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन टू टैप दिस रिसोर्स एंड अ वाटर पंपिंग स्टेशन टू ब्रिंग सरफेस वाटर इनटू योर सिटीज वाटर। और यहाँ पे जो है जो भी समुद्र या फिर रिवर है जो भी है इसके अंदर से पानी यू नो पर पंप करके भी ले सकते हैं, तो ये भी सीन है, सही है वैसे क्योंकि ज्यादातर अपन इसी का यूज करते सिटी स्काईलाइन में राइट। वैसे यार इसको थोड़ा सा ओवर रियलिस्टिक कर सकते थे, यू नो पानी वानी आ रहा जा रहा है राइट, तो थोड़ा पोल्यूट वगैरह भी होता है तो उसको अपन यू नो पहले प्योरीफाई करके फिर सिस्टम के अंदर डाले, थोड़ा ओवर रियलिस्टिक हो जाता है ना नॉर्मल सिटी स्काईलाइन की बजाय। तो चलो ठीक है अब जो भी है। तो यहाँ पे पीछे चलता है to bring surface water into your city's water system. You can okay, तो यहाँ पे ये बिल्डिंग है जो वाटर आई थिंक वाटर स्टेशन है ये वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सॉरी ये वाला, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो अपग्रेड करा जा रहा है और यहाँ पे प्योरिफिकेशन रेट देख रहे हो तो इसका जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नॉर्मली जो प्योरिफिकेशन रेट है वो 50% होता है और अगर उसको अपन अपग्रेड करेंगे देखते कितना इंक्रीज होता है 25% ये वाली बिल्डिंग से 25% इंक्रीज हो गया यहाँ पे, तो 75% प्योरिफिकेशन रेट हो गया, मतलब 100 तो फिर भी नहीं मिल रहा है। ओके तो जितना भी जो इसके अंदर से कचरा निकलेगा ठीक है 75% प्योर करने के बाद में वो सारा सारा गार्बेज वगैरह फैसिलिटी जो रहेगी अपनी वो वहाँ के ट्रक उठा के लेके जाएंगे यहाँ से ठीक है कचरा वचरा पूरा, और यहाँ से वो पूरा दिखाया हुआ ग्राउंड पोल्यूशन वगैरह यूजेस वगैरह जो इसका सीन। इसके अलावा यहाँ पे जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो 3,42,000 हो रहा है एंड जो आउटपुट है वाटर का यहाँ से वो 1,00,000 समथिंग हो रहा है 1,71,000 ठीक है। With wastewater treatment plans. And यहाँ पे एक बिल्डिंग और डाली यार इन्होंने, ये पता नहीं क्या काम कर रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस बिल्डिंग का। City's water system. You can also add water to the system with waste. So, इस ये वाली बिल्डिंग का पता नहीं चल रहा है, ये तो है तो खैर ट्रीटमेंट प्लांट ही, बट इससे हुआ क्या ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई अभी तक क्योंकि जो यूजेज वगैरह सब सेम ही लगभग इसका देख रहा हूँ कुछ चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है तो सिर्फ ये पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ये सब इंक्रीज हो गया बिल्डिंग सब पता नहीं किस काम आ रखी है नो आइडिया। और यहाँ पे देखो भाई ब्रिज भाई कितना नेक्स्ट लेवल दिख रहा है ना यहाँ पे अलग ही लेवल का ब्रिज दिख रहा भाई खतरनाक भाई। To produce clean water for homes and businesses. There's another way to manage sewage. Sewage outlets. They release waste into open water with तो अभी ना सिटी स्काईलाइन 2 के अंदर थोड़ा कलर्स वगैरह भी चेंज करते गए, नॉर्मल के अंदर जो ना थोड़ा मटमेला कलर का दिखता है जो सीवेज मतलब रहता है राइट, अब इसके अंदर येलो कलर का दिखेगा ठीक है तो अपन उसको पानी के अंदर भी डाल सकते हैं। help prevent sewage from backing up. And that's a must when it comes to public health. अगर सही से नहीं निकला ना मतलब सारा का सारा तो न्यू समझ लो लग जाएंगे फिर सबके ठीक है। Bungling waste management can make people seriously ill. ओके तो यहाँ पे दो बिल्डिंग्स बनाई हुई यार इन्होंने यहाँ पे और पूरा मस्त बनाया हुआ पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है वाटर का नाइस। एंड शायद से ये अपग्रेड से बिल्डिंगों के लेकिन इसमें जाने वाने का शायद रास्ता उन्होंने कुछ बनाया है नहीं अलग से बाकी ठीक है। That's why you want to keep sewage outlets well away from pumping stations. ये डेफिनेटली जहाँ से भाई गंदा पानी आ रहा है उससे तो काफी दूर होना चाहिए। How can you balance the very human needs of citizens with your ambition as a city builder? It's simple. Imagine living your life down there, day in and day out. Nice. तो यहाँ पे था मस्त नजारा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे, लेकिन अभी अपन चलते हैं वेबसाइट पे क्योंकि वहां पे बहुत कुछ है तो लेट्स गो। सो चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे फाइनली और यहाँ पे कंप्लीट थोड़ा डिटेल में चीजों को दिखाया हुआ है ओके। तो यहाँ पे चलते थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे देखते हैं
कि डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज एज द सिटी ग्रोज, बट इट ऑल्सो इफेक्टेड बाई चेंजेस इन द टेम्परेचर विद बोथ होल्ड एंड कोल्ड वेदर इंक्रीजिंग कंजप्शन, जो कि अपन ने डिस्कस कर ही लिया था वीडियो के अंदर कि भाई उसी हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स का है, वहां पे अपने को दो तरह की केबल्स मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक केबल जो नॉर्मली रोड्स के अंदर बना सकते हैं अपन या फिर रोड्स के ऊपर ही बना सकते हैं, अंडरग्राउंड एंड अबव ग्राउंड दोनों दिया हुआ है, तो वैसे रोड के अंदर प्रीबिल्ड रहती है वोल्टेज केबल ऑटोमेटिकली। दूसरा था अपना पावर लाइन जो कि हाई वोल्टेज पावर लाइन से जो कि चल के आएंगी ये वाली राइट, जो स्टेशन तक चल के आएगी, मतलब जो अपने बनाना पड़ेगा पावर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ट्रांसफॉर्मर से लो से हाई में कन्वर्ट होएगा। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ट्रांसफॉर्म हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और वाइस वर्सा विद ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, मतलब कि हाई वोल्टेज से लो भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लो से हाई पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीन दिखाया हुआ है। दूसरा इमरजेंसी बैटरी स्टेशन जो कि अपन ने वीडियो के अंदर देखा था, यहाँ पे ये वाला बैटरी स्टेशन है, इसको अपन अपग्रेड भी कर सकते हैं एंड इसकी खुद की कैपेसिटी भी रहती है और इसके अंदर अपन अलग से भी ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जैसे अपने पास सोलर पैनल है या फिर विंटर वाइन है राइट, मान लो कुछ टाइम तक हवा चल रही है फिर कुछ टाइम के लिए बंद होगी, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो होएगा नहीं, तो इतनी बैटरी वगैरह चार्ज हो जाएंगी, फिर बाद में अपन बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला सेम ही वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट विंटर वाइन का है ऑसम, एंड ऑल्सो गाइस विंटर वाइन पानी के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है यार ये काफी अच्छा है, नाइस। तो है दूसरा भाई स्मॉल कोल पावर प्लांट, तो कुछ एक बिल्डिंग्स है जो अपग्रेड नहीं हो सकती, जैसे कि स्मॉल कोल पावर प्लांट है, ये वाली अपने को स्टार्टिंग में मिल जाएगी बेसिक पावर, ठीक है स्टार्टिंग मिल जाएगी, और ये वाली बिल्डिंग को जो अपन अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को चलने के लिए कोल वगैरह चाहिए और उससे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है गाइस अपने पास गैस पावर प्लांट, एंड गैस पावर प्लांट से अपने को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी एंड इसको चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स चाहिए अपने को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गैस पावर प्लांट है वो मोर एफिशिएंट देन कोल पावर प्लांट्स, और इसको चलने के लिए नेचुरल गैस चाहिए, और गैस कैन बी प्रोड्यूस इन सिटी यूजिंग स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली जो अपने इंडस्ट्रीज डीएलसी राइट, उसके अंदर जैसी इंडस्ट्रीज आती हैं उसी तरह से इन गेम इंडस्ट्री जाने वाली है, जो कि स्पेशली ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको रिफाइन करके पेट्रोकेमिकल्स उनके अंदर से निकाल लेंगे जो भी रहेगा, एंड उससे फिर अपन वहां से सेंड करके यहाँ पे और पूरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा लेस कॉस्ट एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बट इट्स प्रोड्यूस बिट लेस पोल्यूशन देन कोल पावर प्लांट, तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा कोल पावर प्लांट से, इससे अपने को पोल्यूशन वगैरह जो कम मिलेगा राइट, दिस इज ऑल्सो गुड। फिर नेक्स्ट है बड़ा वाला कोल पावर प्लांट, तो डेफिनेटली अपन इसको फुल अपग्रेड भी कर सकते हैं, यू नो एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, शायद अपग्रेड करा हुआ है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चिमनी ऐड कर सकते हैं, यू नो फर्नेस वगैरह जो भी रहती है इसके अंदर जलाने के लिए वो एक्स्ट्रा इंक्रीज कर सकते हैं, तो अपना आउटपुट वगैरह बढ़ जाएगा। तो सेम ही चीज यहाँ पे जियो थर्मल का दिया हुआ है, और जियो थर्मल पावर प्लांट को चलने के लिए ग्राउंड वाटर डिपॉजिट लगेगा, और जहां पे भी अपन ग्राउंड वाटर डिपॉजिट रहेगा उसके ऊपर अपन बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो ग्राउंड वाटर डिपॉजिट को भी ये पल्यूट कर देगा, तो वहां से अपन डेफिनेटली पीने का पानी तो वहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन ओनली इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो ये कंफर्म हो गया। हार्नेस द हीट डीप अंडरग्राउंड विद ए जियो थर्मल पावर प्लांट। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट, और सोलर पावर प्लांट भी थोड़ा सा अनस्टेबल है, और वो किस लिए, क्योंकि ये सिर्फ दिन में ही काम करेगा, और मान लो अगर दिन में वेदर ठीक नहीं है, बादल बादल छाए हुए हैं या फिर बरसात वगैरह आ गई, तो उस दिन भी ये काम नहीं करेगा, तो ये सीन है इसके अंदर थोड़ा। लेकिन इसके अंदर ऑल्सो इस छोटी बैटरी लगी रहती है जो कि चार्ज होती रहती है, ताकि दिन में चार्ज हो जाए और रात के टाइम में इसका यूज हो जाए, और अपन इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह लगा सकते हैं लाइक अपग्रेड करके में भी, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन सोलर पावर प्लांट इज ए ग्रेट ग्रीन ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बट कंसिडर कंबाइनिंग इट विद एन इमरजेंसी बैटरी स्टेशन। तो डेफिनेटली बैटरी स्टेशन के साथ बैटरी स्टेशन भी अपने को बनाना पड़ेगा इसके साथ में, ताकि सही से काम करें। तो नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट मे बी एक्सपेंसिव, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना गाइस वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बनाने में, लेकिन उससे ना किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एक सबसे बड़ी डिमांड है भाई इसके लिए, और वो ये है वाटर, इसको ना वाटर चाहिए भाई भर भर के, तो मतलब अपने को शायद अलग से ही पंपिंग स्टेशन बनाना पड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी देने के लिए, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि इसको चाहिए भाई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, इसको ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को, लेकिन इससे ना कोई भी पोल्यूशन नहीं होएगा, बाकी जितने भी प्लांट ले लो किसी से नॉइस होएगा, किसी एयर होएगा, किसी से ग्राउंड होएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, बस इसको जो ज्यादा ही पानी चाहिए ठंडा रखने के लिए, तो एंड ऑल्सो अपकीप भी इसका हाई रहेगा, तो थोड़े डाउन साइड भी है, लेकिन और ये अपन इतना जल्दी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी अपन सिटी बेस सिटी स्काईलाइन के अंदर अपन यू नो पावर प्लांट्स वगैरह बना लेते हैं
ऐसा बिल्कुल मैं सोचना सिटी स्कैलेटन 2 में भी ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। ओके, जब तक कि अपनी लाखों की पॉपुलेशन नहीं हो जाएगी, जब तक अपन शहर से न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भाई इतना ज्यादा कॉस्ट लेगा ना, इतना ज्यादा कॉस्ट लेगा, उतना तो अपने को मिलेगा भी नहीं, ठीक है? तो जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे हम, गेम खत्म। तो यहाँ पे हर एक चीज वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी मन में आए जब बना दिया, ऐसा नहीं रहेगा। जब अपने को डिमांड पड़ेगी तभी बनाएंगे, और शायद से कोई बंदा खेल भी लेगा और फिर भी वो ना बना पाए, ऐसा भी सीन रहता है इसके अंदर। तो काफी लोगों ने जो उन्होंने अर्ली एक्सेस खेला है, उन्होंने काफी खेला है, लेकिन वो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी वाटर डैम तक नहीं बना पाए, वो नॉर्मल सोलर प्लांट्स और इन पे चल रहे हैं अभी तक, ठीक है? तो मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक है गेम, तो अपन ऐसा नहीं कि कुछ भी बना सकते, लेकिन जब उस चीज का टाइम आएगा तो उस टाइम पे वही चीज बनेगी। तो नेक्स्ट है यहाँ पे गाइस, फाइनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और ये मेरा है बेस्ट ऑप्शन, मतलब ये बेस्ट चीज लगी मेरे को। तो एक तो इन्होंने कॉर्नर गोला वाला से घुमा के, एक तो इन्होंने स्ट्रेट कर दिया डैम को, एंड इसके अंदर जो डिटेलिंग है ना भाई, पानी निकालने वाली, वो कितनी रियलिस्टिक इन्होंने कर दी है। वैसे देखा जाए तो काफी रियलिस्टिक लग रहा है, एंड यहाँ पे जो बिल्डिंग्स अटैच्ड है भाई इसके साथ में, काफी औसम लग रहा है। एंड जो मैं अंदाजा लगाया था कि डैम के ऊपर से पानी नहीं कूदेगा, वो मैंने कैसे लगाया था, मैं तुमको एक दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ। वो स्क्रीनशॉट है गाइस ये वाला, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये दूसरी साइड का व्यू है, वो फ्रंट का व्यू था, ये अपोजिट साइड का व्यू है। तो यहाँ पे जो स्टेज, मतलब ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है भाई, अपन कितना जबरदस्त दिख रहा है सबसे पहला। दूसरा कि इसके अंदर गेट्स बने हुए हैं पानी के, जैसे ये इसके यहाँ तक टच हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली कोई चांसेज ही नहीं है कि पानी इसके ऊपर से कूदे। एंड यहाँ से अलग से बैरियर भी दिया हुआ है यहाँ तक पानी का, लिटिल बिट डिटेलिंग। और अपन वापस से चल लेते हैं यहाँ पे पीछे, इसके अलावा शायद से कोई स्क्रीनशॉट नहीं है इसका, ये दो ही दो तीन स्क्रीनशॉट्स हैं इसके। और अगर अपन वीडियो में चल के देखे, तो वीडियो में अगर तुमने नोटिस करा होगा, तो जो नीचे वाले स्टैंड्स थे वहां पे काफी मतलब डिटेलिंग उन्होंने करी हुई थी, लेकिन अलग अलग हाइट पे डैम जो डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, जैसे कि जहां पे देख रहे हो किस तरह से दिख रहा है, लेकिन वीडियो के अंदर डिफरेंट दिख रहा था, क्योंकि उसका साइज थोड़ा छोटा था, मतलब वो साइज से कुछ नदी वगैरह होगी जिसके ऊपर बनाया था, लेकिन ये थोड़ा हाइट से आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। तो यार मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज ये इलेक्ट्रिक आई थिंक पावर प्लांट, और ये इतनी आसान नहीं रहेगा गेम के अंदर बिल्ड करना। ऑल्सो इन सब का ना कॉस्ट वगैरह वो सब हाई रहता है, बट इनसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अपने काफी अच्छी खासी मिलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उस पर डिपेंड करेगी, एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, वाटर फ्लो पे। ऐसा नहीं कि वाटर फ्लो फास्ट है तो पर इसी से 1000-2000 प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इसकी लेंथ कम है तो लेंथ के हिसाब से 100 प्रोड्यूस कर सकता है, वाटर फ्लो के हिसाब से 1000, तो ये 100 ही करेगा, 1000 नहीं करेगा, इसको लेंथ भी चाहिए रहेगी, दोनों ही सीन रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे गाइस है फ्यूल लॉजिस्टिक, और यहाँ पे थोड़ा दिखाया हुआ है कि जितना भी फ्यूल रहेगा, लाइक कोल है, पेट्रोकेमिकल्स है, राइट? तो इस तरह का फ्यूल अपन सिटी के अंदर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बाहर से मंगवा सकते हैं। तो सिटी सिटी के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली क्या रहेगा कि अपने को बड़ी से बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहेगा, फिर वहां पे पूरा प्लांट अपने को फैलाना पड़ेगा, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ेंगी, जहाँ से रॉ मटेरियल निकाला जाएगा, फिर उसको प्रोसेस वगैरह करा जाएगा, फिर फ्यूल बनाया जाएगा, फिर वहां से ट्रांसफर करा जाएगा स्टेशन पर। तो इसमें भी काफी खर्चा आएगा और स्पेस भी अपना काफी ज्यादा लगेगा, तो ये चीज यहाँ पे है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अपन बाहर से नहीं मंगवा सकते, बाहर से भी अपन मंगवा सकते हैं, तो उसमें सीन क्या रहेगा, अपने को थोड़ा ज्यादा पैसा पैसा देना पड़ेगा, और ट्रैफिक भी अपना ज्यादा क्रिएट होएगा हाईवे के जरिए, क्योंकि अपने को सिटी के अंदर लेके भी आना है, और मान लो गलती से जाम वाम लग गया तो टाइम पे प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाएगा, फ्यूल वगैरह और पावर आने बंद, तो दोनों ही सीन यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, वो स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज जो रहेंगी, जो अपन ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे पावर प्लांट्स अपग्रेड्स, तो वही सिंपल तीन अपग्रेड्स रहेंगे, ऑपरेशनल, एक्सटेंशन और सब बिल्डिंग, जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, सेम वही चीज है। तो ये वाला जो कोल पावर प्लांट है ये फुल्ली अपग्रेडेड है, और भाई ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है यहाँ पे, ये वाला प्लांट जो यहाँ पे जो भाई मशीन लगी हुई है ना कोल वगैरह को एडजस्ट करने वाली, खतरनाक दिख रही है भाई, सीरियसली। द कोल पावर प्लांट फुल्ली अपग्रेडेड विद एडिशनल टर्बाइन, एडवांस फर्नेस, एग्जॉस्ट फिल्टर एंड एडिशनल कोल्ड स्टोरेज। स्पेशली गाइज कोल पावर प्लांट के अंदर थोड़ा ज्यादा अपग्रेड है नॉर्मल बाकी बजाय किसी बिल्डिंग के, बिकॉज इसके अंदर काफी कुछ बड़ा सीन है, जैसे कि यहाँ पे एक तो स्टोरेज अलग से अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी प्लांट के अंदर अपन अलग से स्टोरेज डाल सकते हैं, क्योंकि सबको फ्यूल की जरूरत रहती है, तो डेफिनेटली स्टोरेज सबके अंदर है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है थोड़ा सा, कि इसके अंदर ना अपन एडिशनल टर्बाइन डाल सकते हैं, ठीक है, एडवांस फर्नेस डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें ना एग्जॉस्ट फिल्टर भी लगा सकते हैं, ताकि पोल्यूशन वगैरह थोड़ा कम हो। तो ये सीन थोड़ा सा इसके अंदर। तो यहाँ पे वही चीज फिर से दी हुई है डिटेल में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, जितनी भी बिल्डिंग्स रहेंगी वो सड़क से कनेक्टेड हैं, तो उनके अंदर अपने को अलग से केबल वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पावर से कनेक्ट हो जाएंगी। और जहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिखा हुआ है स्क्रीनशॉट के अंदर, कि ये वाली जो बिल्डिंग है, राइट,
ये मतलब जो स्टेशन है ट्रांसफॉर्म स्टेशन, ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है इसके अंदर, तो ये सीन सही है। लेकिन अगर कुछ बिल्डिंग्स रहती हैं जो कि सड़क से कनेक्टेड नहीं है, राइट, तो उनके अंदर फिर अपने को अलग से जो केबल रहेगी वो कनेक्ट करनी पड़ेगी उसके वहां तक। और यहाँ पे वही है पूरा सीन की बैटरी कितनी चार्ज है यहाँ पे, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा है, एंड कंजप्शन वगैरह वो सारा डिटेल दिया हुआ है, किसमें कितना यूज हो रहा है, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बॉटल नेक्स। तो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा भाई अलग से आइकन, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो अपने को फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अलग से एक ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, बड़ी वाली लाइन लानी पड़ेगी, फिर यहाँ से पावर देनी पड़ेगी। तो सिंगल यही सीन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी गेम के अंदर स्पेशली दिख जाएगा कि कौन सी वाली रोड से पावर कनेक्टेड नहीं है। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वही दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी केबल रीच इट्स लिमिट, राइट। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इन्फो व्यू, तो यहाँ से कम्प्लीट अपन वही देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं देखने लायक, बाकी ये वही कोल पावर प्लांट है फुली अपग्रेडेड वाला। नेक्स्ट है वाटर सोर्सेस का, तो यहाँ से सरफेस वाटर वगैरह का ये सब थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। और हाँ गाइस, स्पेशली हर एक चीज का लिमिट रहेगा, वाटर का भी, सीवेज का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बॉटल नेक्स है ना, उसी तरह से यहाँ पे वाटर का और सीवेज का भी बैकअप हो सकता है। अगर आप मतलब यहाँ पे काफी दूर तक पंपिंग स्टेशन वगैरह नहीं है तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो सेम टू सेम उनके साथ भी यही सेम ही चीज अप्लाई होगी कि अपने को जगह जगह पे स्टेशन वगैरह देने पड़ेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पड़ेंगे ताकि सीवेज वगैरह बैकअप ना हो जाए। तो वो सीन इसके साथ में भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, तो वही चीजें यहाँ पे थोड़ी डिटेल में दिखाई हुई है कि कहाँ पे पोल्यूशन वगैरह है। वॉज द वाटर फ्लो वैन प्लेसिंग सीवेज आउटलेट्स और वाटर पंपिंग स्टेशन, तो ठीक है भाई। यहाँ पे ग्राउंड वाटर का दिखाया हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, ग्राउंड वाटर डिपोजिट्स कैन टेम्परेली ड्राई अप इफ यूजेज हायर देन देयर रिप्लेसमेंट रेट, द डिपोजिट विल इवेंचुअली फिल बैकअप इफ वाटर पंपिंग इज होल्डेड और रिड्यूस बाय लोअरिंग द बजट एंड देयर बाय द बिल्डिंग एफिशियंसी। ओके नाइस, तो यहाँ पे सेम ही चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप के अंदर देख सकते हैं अपन सीधा आइकन पे जाके कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट से वहां पे सिंपल बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई हुई है कि यहाँ से अगर यहाँ पे वो अगर आसपास है वाटर का डिपॉजिट, उसके आसपास अपन ने कुछ बिल्डिंग बना दी पोल्यूशन वाली, तो वो पूरा पानी जो है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज दी हुई है, नथिंग स्पेशल। यहाँ पे पाइप्स का दिया हुआ है, अंडरग्राउंड तो बनेंगी बनेंगी, साथ में अपन एक्स्ट्रा भी अलग अलग से बना सकते हैं। मान लो अपने को सीवेज बाहर निकालना है, ठीक है, सिस्टम से, तो अपन उसके अंदर स्पेशल जो सीवेज वाली लाइन कनेक्टेड रहेगी। अगर अपन ने डबल वाली कनेक्ट कर दी ना, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि सीवेज के साथ साथ पानी भी वहां से रिटना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पेशली अपने को सीवेज वाली लाइन ही वहां से कनेक्ट करनी है, तो शायद से थोड़ा रिलिस्टिक जाने वाला है। एंड ऑल्सो यहाँ पे वाटर पंपिंग स्टेशन दिया हुआ है, फिर एक वाटर टावर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे काफी कुछ दिया हुआ है इन्होंने। मैंने कहा था कि वाटर टावर का भी अपन देखने वाले हैं, तो स्पेशली वाटर टावर है ना जो सिटी स्काई मॉल में बहुत ही मतलब सस्ता रहता है और एक बेस्ट ऑप्शन रहता है पानी प्रोवाइड करने का, राइट। लेकिन सिटी स्काई टू के अंदर इसको ना बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, ये काफी एक्सपेंसिव है अभी, और इसको ना बनाने के लिए कहीं पे भी ग्राउंड वाटर डिपोजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अपन जहां पे अपना मन करे वहां पे बना सकते हैं। इसका जो कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो बिल्डिंग जो किस तरह से काम करेगी कि ये ना थोड़ा डीप ज्यादा जाएगी और वहां से पानी निकालेगी, तो सिंपल इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा वो ज्यादा आएगा, लेकिन पानी उतना नहीं निकल पाएगा यहाँ से। तो ये सीन यहाँ पे नोट करने वाला है, और इसको वाटर डिपोजिट की जरूरत नहीं पड़ती, इसको अपन कहीं पे बना सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी नोटिस करने वाली है। यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ वाटर टावर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर बट कैन ओनली प्रोवाइड ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये सीन है इसके थोड़ा सा। यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है इसका डाउन साइड है वेरी कॉस्टली टू मेंटेन कंपेयर विद अदर वाटर फैसिलिटीज। अब उन्हें भी उसका कुछ बेनिफिट है, कहीं पे बना सकते थे, लेकिन कुछ डाउन साइड भी है इसका कि भाई कुछ ज्यादा कॉस्टली रहेगा। तो ये सीन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन है, मान लो कहीं पे वही सीन है कि वाटर डिपोजिट है, तो वहां से अपन कनेक्ट करके सीधा पानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एडवांस वाटर पंपिंग स्टेशन है जिससे अपन ज्यादा अमाउंट में पानी निकाल सकते हैं, राइट, जैसे लेक्स वगैरह से निकाल रहा हूँ, वो सब सीन यहाँ पे है। तो नेक्स्ट है अपना सीवेज आउटलेट, और ये काफी रियलिस्टिक होने वाला है जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे जो गंदगी देख रहे हो भाई, वो नेक्स्ट लेवल यहाँ से निकल रही है। तो वही सीन है यहाँ पे कि अपने पास इनफ वाटर आउटलेट्स होने चाहिए या फिर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए जहाँ से सीवेज को यानी बाहर निकाल सके, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है ये वाला। उसी तरह से वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पे दिखाया हुआ है सिंपल, जो अपने वीडियो में देखा था। तो वाटर फैसिलिटी का वही दिखाया हुआ है, ऑपरेशनल एक्सटेंशन और सब बिल्डिंग्स, तीन तरह से बिल्ड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा इन्फो भी दिखाया हुआ है, इसके अंदर सीवेज एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब सीवेज को अगर मान लो अपने को यहाँ पे नहीं डालना तो अपन बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है बाहर एक्सपोर्ट कर देना चाहिए ना, कचरे का अपन करेंगे भी क्या तो यार ये काफी अच्छा ऑप्शन, मेरे को पता नहीं इससे प्रॉफिट होगा नुकसान भाई, ये चीज यार थोड़ी सोचने वाली, तुम मेरे को बताना कमेंट में कि मान लो अपन सीवेज एक्सपोर्ट कर देंगे कहीं पे तो अपने को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे लिए, तुम बताना। तो गाइस ये था इनफ इन्फॉर्मेशन यहाँ तक का, तो नेक्स्ट अपने आने वाला मैप्स एंड थीम्स पे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे लिए, मतलब आने वाले तीन जो एपिसोड आएंगे वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे को बाकी सबसे, ओके वैसे ज्यादा इंटरेस्ट रोड्स एंड टूल्स पे था क्योंकि इसके अंदर काफी औसम औसम चीजें थी राइट। फिर मैप्स एंड थीम्स पे देखते हैं भाई किस तरह से यू नो रियलिस्टिक चीजें दिखेंगी, वो सब यहाँ पे दिखने वाला, थीम्स वगैरह किस तरह से अपन सेट कर सकते हो ऑल्सो। एंड अगस्त 7 को आएगा क्लाइमेट एंड सीजंस का, सीजंस का जो कि काफी टाइम से मिसिंग है, जो कि अपने ट्रेलर में देखा था सीजन चेंज हो रहा है, उसके अलावा शायद ही अपन ने बीच में एक आध बार देखा होगा ट्रैफिक है के अंदर, लेकिन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा दिखाया जाएगा अपने को। फिर इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन पे भाई जो मनी सिस्टम है ना भाई वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि हर एक चीज की कॉस्ट ज्यादा, बिल्ड करना नुकसान हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो मे बी ये तीन वाले मेरे बेस्ट रहने वाले। तो चलो भाई आई होप तुमको ये वाला जो वीडियो वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो भाई लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई तभी कुछ होगा। एंड कौन कौन सी चीज तुमको बेस्ट लगी वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मेरे को तो यार सबसे बेस्ट लगा एक तो पावर का जो सीन था अपना यू नो हाई वोल्टेज वाला, तो वहां से लेके आओ फिर ट्रांसफॉर्मर से यू नो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करो एंड देन फिर ग्रिड के अंदर डालो, ये काफी चीज बेस्ट थी आई थिंक। एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर डैम वाला हाइड्रो पावर प्लांट अपना वो काफी खतरनाक था, जो मेरे को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही आएगा और थोड़ा रियलिस्टिक भी लग रहा है ये पावर हाइड्रो पावर प्लांट जो अपना। एंड नेक्स्ट चीज जो है कि इलेक्ट्रिसिटी केबल्स वगैरह जो अंडरग्राउंड ही चली जाएंगी तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी है, यू नो अंडरग्राउंड अपन बनवा सकते हैं या फिर ऊपर से भी अपन लेके जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहेंगे उसके अंदर अपने। बाकी देखते हैं ऊपर से बनेगी तो कैसी दिखेगी, आई डोंट थिंक सो कि हमने कहीं पे देखा है ऊपर बनी हुई, सारी अंडरग्राउंड थी रोड वाली। एंड बाकी तुमको क्या क्या अच्छा लगा वो मेरे कमेंट सेक्शन बता देना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।